नमस्कार साथी चैनल को आपण मानंकु स्वागत। आज आम बनवा पाई जाऊे पणस कठार तरकारी। वीडियो टी देखंतु आउ भलो लागी थिले मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि। एबे चालंतु आमर रेसिपी स्टार्ट करिबा। पणस कठा तरकारी बनवा पाई मु एठी गोटे पणस कठा को काटिकी धोईकी नहीं जाइछि। आउ किछि कटा आलू नहींछि, कटा पियाज, किछि कटा अदा आ रसुण, तार गोटे पेस्ट मु बनेबी। आउ किछि कटा कंचा लंका, आउ किछि तेल, कटा टमाटो, जीरा आउ गुजराती, स्वाद अनुसार लुणो आउ हळदी नबा, धनिया गुंड आउ जीरा गुंड नबा, किछि गरम मसाला गुंड आउ लंका गुंड नबा, आउ किछि पानी नबा। एबे चालंतु ग्यास ऑन करी आमे कड़ाई को बसई नबा, सेथिरे आमे किछि पानी नबा, एबे आमे स्वाद अनुसार लुण आउ हळदी पकेबा। एबे पणस को सिझेबा पई आमे लुण हळदी पकौचे, सेथिपई अल्प लुण हळदी पकेइबे कारण आमे तरकारी रे भी लुण हळदी व्यवहार करिबा। एबे आमे रखिथिबा पणस कठा गुडी को सबु पकेइ नबा, ताकु टिके भल भाबे गोळेइ नै ढांकुणी देइ दबा। देखंतु एबे फुटी आसिलानी पानी आमर, भल भाबे ताकु टिके गोळेइ नै पुणी थरे ढांकुणी देइ दबा। एबे देखंतु पणस कठा गुडी को भल भाबे सिछि गलानी। एबे आमे प्लेट को बाहर करी नबा। एबे आमे गैस ऑन करी कड़ई बसेइबा। कड़ई गरम हो गला परे आमे सेथिरे टिके तेल नबा, काटिकी रखिथिबा आलू को तेल रे टिके फ्राई करी नबा। देखंतु आलू एठी भल भाबे फ्राई हेई गलानी, आमे गोटे प्लेट को बाहर करी नबा। आउ सेई तेल रे आमे सिझेई के रखिथिबा पणस कठा गुडी को भल भाबे फ्राई करी नबा। देखंतु पणस कठा गुडी को एबे भल भाबे फ्राई हो गलानी, मु एबे ताकु सबो गोटे प्लेट को बाहर करी नौची। एबे सेई कोड़ेई रे मु आउ टिके तेल नौची। तेल गरम हो गला परे जीरा आउ गुजराती को पकेई देबे, ताकु टिके भल भाबे तेल रे भाजी नेबे। तापरे कटा कंचा लंका आउ पियाज को पकी नबा। पियाज को भल भाबे गोल्डन ब्राउन कलर हबा जाए टिके भाजी नबा। देखंतु पियाज एबे हमर भल भाबे भाजी हे गलाणी। एपे मु जो अदा रसुण को पेस्ट करि रखी थिली ताकु सेथिरे पकी नउची। एबे सेथिरे स्वाद अनुसार लुणो आउ हळदी पकेई नेबे। एबे सेथिरे धनिया आउ जीरा गुंड पकेई नबा, लंका गुंड आउ गरम मसाला गुंड भी पकेई नबा। तापरे मसाला को भल भाबे गोळेई नबा। देखंतु भल भाबे मसलाटा आमर गोळे हे गलाणी। एबे आमे काटिकी रखिथिबा टमाटो को सेथिरे पकेई नबा, तापरे टमाटो को मसला सहित भल भाबे गोळेई नबा। मसलाटा आमर भल भाबे कसी हबा दरकार, सेथि पई आमे ढांकुणी देई दबा। एठी
ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପଣସ କଠା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ନଉଛି। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ ପଣସ କଠା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଆମର ପଣସ କଠା ଆଉ ଆଳୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛି। ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ନବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ରଖିନବା, କାରଣ ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନାଟା ତରକାରୀରେ ଭଲ ଭାବେ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ଘରେ ବନାଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।